जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने को है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, शाहिद अफरीदी को कौन नहीं जानता? जी, वही बूम बूम अफरीदी, जिसे इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर और इंडियन के साबिक खिलाड़ी। जी हाँ, हम बात करेंगे इंडियन जो स्पोर्ट्स एंकर है रवि शास्त्री की, जिन्होंने शाहिद अफरीदी को बूम बूम का खिताब दिया। जी, शाहिद अफरीदी ने बयान दिया कि अपने एक स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इम्तिहान है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में इंतहाई नाकिस रही। अच्छी परफॉर्मेंस देने की ये वजह, यानी आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस इस वजह से भी नहीं दी कि उनके बार बार मैनेजमेंट की तरफ से टीम में तब्दीलियां हो रही हैं। तो हम भी यही कहेंगे, यानी शाहिद अफरीदी के स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि 2024 का वर्ल्ड कप सर पे है T20 का, तो मैनेजमेंट से उन्होंने एक किस्म की रिक्वेस्ट की। और आप ये भी कहेंगे कि मैनेजमेंट को उनका ये मशवरा था कि आप टीम में बार बार तब्दीलियां ना करें, किसी एक को कप्तान रखें, और ताकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम बगैर प्रेशर के और एक अच्छे कप्तान के अंडर अच्छा खेल पेश करे, ताकि जितनी भी अवाम, पाकिस्तानी अवाम है, वो जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस देखे निराश हुई थी, वो खुश हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस।